एंटरटेन कर रहे हैं पारस छाबड़ा और शहनाज गिल अपने स्वयंवर के जरिए। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कलर्स चैनल पर लगातार लाइमलाइट में बना हुआ है मुझसे शादी करोगे रियलिटी शो। यहाँ पर पारस अपनी दुल्हनिया की खोज में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर शहनाज गिल अपने दूल्हे की तलाश में जुटी हुई हैं। वेल दोस्तों, तमाम सेलिब्रिटीज यहाँ पर पारस और शहनाज को इम्प्रेस करने के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी टास्क दिए जा रहे हैं। ऐसे में तमाम सेलिब्रिटीज से ये भी पूछा जा रहा है कि क्या ये शो अच्छा है या फिर नहीं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आज की इस खास रिपोर्ट में एजाज खान के बारे में, जो कि बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट रह चुके हैं। जब उनसे पूछा गया उनके इंटरव्यू में शहनाज और पारस के स्वयंवर के बारे में, तो यहाँ पर उन्होंने शो को बेकार बता दिया। जी हाँ, उन्हें खास पसंद नहीं आया शहनाज और पारस का स्वयंवर। जी हाँ, आपको बता दें, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, आपको बता दूं कि सभी को बेवकूफ बनाया जा रहा है, यहाँ किसी की किसी से भी शादी नहीं होने वाली है। दरअसल जो सेट पहले बनाया गया था उसको लेकर यहाँ पर फैंस ने बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स को लेकर तमाम वोट किए थे और लोग वोट कर रहे थे, इतना खर्चा कर रहे थे मेकर्स, तो वहीं चैनल वालों ने सोचा कि इन लोगों को थोड़ा सा और बेवकूफ बनाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर कई ऐसे कंटेस्टेंट आए हैं, कोई पंजाब से आया है, कोई कहीं से, तो ऐसे में यहाँ पर इन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चैनल ने ये चाल चल दी है। और इस तरीके से एजाज खान ने बयान दिया है शो को लेकर, और उन्हें ये शो खास पसंद नहीं आया है। वेल, आप क्या कहते हैं यहाँ पर पारस और शहनाज के स्वयंवर को लेकर, आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज से प्रांशु की रिपोर्ट।